हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। बच्चों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे चाल, दूरी और समय पर, और साथ ही साथ औसत चाल, सापेक्ष चाल और उनसे संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चाल, दूरी और समय किसे कहते हैं और ये आपस में कैसे संबंधित होते हैं। चाल किसी व्यक्ति या साधन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। चाल का सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय। और दूरी किसी व्यक्ति या यातायात के साधन द्वारा स्थान परिवर्तन को तय की गई दूरी कहते हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। और समय किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या यातायात के साधन द्वारा इकाई चाल से चली गई दूरी उसके समय को निर्धारित करती है। तो इस तरह से समय क्या हुआ? दूरी बटे चाल। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में हो और उसे हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो क्या करेंगे? उसे हम 18/5 से गुणा कर देंगे। और इसके विपरीत यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो और हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम 5/18 से गुणा करके उसे बदल सकते हैं। बच्चों, चाल समय व दूरी पर आधारित रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म से संबंधित कुछ प्रश्न भी आते हैं। तो आइए रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। पहला तथ्य यह है कि जब दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर रही होती हैं तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई के योगफल के बराबर होती है। और दूसरा, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही होती है तब रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योगफल के बराबर होती है। और तीसरे केस में, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को या प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार कर रही होती है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही होती है। तो बच्चों, आइए चाल, दूरी और समय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। औसत चाल क्या होती है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल लगा समय। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा तथा पुनः उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बराबर 2xy/x+y के बराबर होगा। यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में a किलोमीटर प्रति घंटा तथा b किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही हों, जिनकी गति प्रारंभ करने का स्थान तथा समय समान हो तो उनकी सापेक्ष चाल a-b किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और यदि दोनों वस्तुएं विपरीत दशा में a किलोमीटर प्रति घंटा तथा b किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही हों, जिनकी गति प्रारंभ करने का स्थान तथा समय समान हो तो उनकी सापेक्ष चाल उनके योगफल यानी कि a+b के बराबर होगी। और यदि A तथा B दो वस्तुओं हैं, उनके चालों का अनुपात A और B का हो तो एक ही दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात B अनुपाते A होगा। जब एक व्यक्ति A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा T1 समय देर से पहुंचता है तथा जब वह y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और T2 समय पहले पहुँच जाता है तो A तथा B के बीच की दूरी बराबर चालों का गुणनफल गुणे समयांतर और पूरे में आपको भाग देना होगा चालों के अंतर से, यानी कि ये बराबर हो जाएगा xy गुणे T1-T2 होल डिवाइडेड बाई y-x। तो आइए बच्चों, चाल, समय और दूरी से संबंधित जो सूत्र हैं उनको हम उदाहरण के प्रयोग द्वारा समझते हैं। तो बच्चों, जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोई यात्रा 3 घंटे में तय करता है तो कुल तय की गई दूरी क्या है? तो बच्चों, यहाँ इस प्रश्न में जो चाल दी गई है वो कितनी है? चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटे।
और समय कितना लगा है? समय बराबर लगा है 3 घंटे, 3 घंटे समय लगा है और आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो यह प्रश्न जो है आपका सीधे सीधे सूत्र पर है, आपको पता है सूत्र चाल बराबर दूरी बटा समय। और यहां आपको ज्ञात क्या करना है, दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। तो यहां करना क्या है, केवल मान रख देना है, चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी और समय कितना था 3 घंटे। अब इसका आप गुणा कर देंगे, 3 8 24, 3 4 12 और 2 14, 144 किलोमीटर ये जो है दूरी थी। तो ये सीधे सीधे आपका जो है सूत्र पर प्रश्न था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न बच्चों इस प्रकार से है, एक बस 125 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ आपको पहले दूरी दे दी गई है, दूरी कितनी है 125 किलोमीटर। तो वह बस जो है 125 किलोमीटर की दूरी 5/3 घंटे में तय करती है। तो 5/3 क्या हो गया, यहाँ पर समय हो गया 5/3 घंटे में तय करती है। तो उसकी चाल आपको बतानी है, तो यह भी एकदम सूत्र पर ही आधारित है। चाल क्या होगी, चाल का सूत्र आपको पता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ दूरी आपको 125 किलोमीटर दी गई है और समय दिया गया है 5/3। तो जब बटे का बटा होता है तो क्या होता है, जो हर में राशि होती है वो पलट जाती है, यानी 125 और जो बटे में था 3 ये ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे रहेगा। तो 5 से ये कट जाएगा 25 बार में और 25 × 3 कितना आ जाएगा, 75, यानी चाल क्या है 75 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपका उत्तर हो गया। बच्चों अगला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रश्न संख्या 3 जो है कि एक व्यक्ति 77.75 किलोमीटर 77/5 किलोमीटर 9/2 घंटे में जाता है, तो 67/11 घंटे में वह कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ चाल नहीं बताई गई है, यानी कि दोनों दूरियों को तय करने में जो चाल है वो समान है। तो यहाँ बच्चों अगर हम पहली दूरी को D1 मान लें, जो कि आपका 77/5 किलोमीटर है, समय को हम T1 मान लें, ये आपको 9/2 घंटे दिया गया है आवर्स, और दूसरा जो समय है T2 ये दिया गया है 67/11 घंटे, ठीक है। अब यहाँ पर वह कितनी दूरी तय करेगा, यानी दूसरी जो दूरी है ये हमें पता करनी है। तो जब हम चाल निकालेंगे, पहले जो गति थी उसमें चाल जब निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय, और वही चाल दूसरे के लिए भी है, तो ये हो जाएगा D2/T2, दूरी बटा समय पहले के लिए और दूरी बटा समय दूसरे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दूरियाँ बदल रही हैं और समय भी बदल रहे हैं, लेकिन चाल नहीं बदल रही है, तो दोनों में हमने चालों को बराबर कर दिया। तो यहाँ से अगर हमें D2 निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा D1/T1 और गुणे T2। अब यहाँ पर हमें केवल मान रख देने हैं, तो D2 क्या हो जाएगा, D1 हमने लिया 77/5 और बटे T1 करना है, तो T1 कितना है 9/2, तो 9 नीचे लिखेंगे और 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और इसमें गुणा करना है T2 से, T2 कितना है 67/11। अब इसे ही हमें सरल कर लेना है, 11 से 77 कट जाएगा 7 बार में, और यहाँ पर कुछ कटने वाला नहीं है, तो 7 × 2 = 14 गुणे 67/5 = 45। अब इसे ही हमें सरल कर लेना है, तो सरल करने पे आपको मिल जाएगा 938/45 किलोमीटर। तो जो दूसरी दूरी थी 938/45 किलोमीटर आएगी, यही आपका जो है उत्तर हो जाएगा।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों यहाँ अगला प्रश्न जो दिया गया है वो इस प्रकार से है, दो रेलगाड़ियां हैं, एक समान चाल से गतिमान है, यानी दोनों की चाल क्या है, बराबर है, विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे परस्पर पार करने में 12 सेकंड का समय लेती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, जबकि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई 120 मीटर की है। तो बच्चों जब दो रेलगाड़ियां समान चाल से चल रही हैं और वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो उन्हें कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ी, जो कुल दूरी होगी वो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई के बराबर होगी। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई भी 120 किलोमीटर थी, 120 मीटर है, और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भी 120 मीटर थी, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 240 मीटर, ये कुल दूरी उसको तय करना पड़ा। और कुल समय कितना लगा, कुल समय आपको प्रश्न में दिया गया है, कितना समय लगा था, 12 सेकंड का समय लगा है, ठीक है। तो यहां हमें सापेक्ष चाल ज्ञात करनी है, तो सापेक्ष चाल का सूत्र आपको पता है, सापेक्ष चाल बराबर कुल दूरी बटा समय। तो सापेक्ष चाल के लिए कुल दूरी कितनी लगेगी ये हमने पहले ही पता कर लिया है, ये 240 मीटर थी और समय कितना लगा है, 12 सेकंड, इसे भाग देने पर कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये सापेक्ष चाल 20 मीटर प्रति सेकंड किसके लिए है, दोनों गाड़ियों के लिए है, यानी दोनों गाड़ियों में का जो सापेक्ष चाल था वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस प्रकार यदि हम प्रत्येक गाड़ी की चाल अलग अलग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ये दो गाड़ियों के लिए है। तो प्रत्येक गाड़ी की चाल ये क्या हो जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड को हम 2 से भाग दे देंगे तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड आपको प्राप्त हो जाएगी। अब ये चाल 10 मीटर प्रति सेकंड तो प्राप्त हो गई, लेकिन प्रश्न में किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं। अब ये कैसे आया था, ये हमने प्रारंभ में बता दिया था कि जो 1 किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ हमें उल्टा करना है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, ठीक है। तो हम 3600/1000 से गुणा करेंगे और 3600/1000 को सरल करने पर ही 18/5 आता है। तो इसे सरल कर लेंगे, 10 जो है 5 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये 2×18 यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमें पूछा गया था कि उसकी प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो चाल कितनी हो जाएगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ जो अगला प्रश्न हमने लिया है वो इस प्रकार से है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग से गुजरी, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो यहाँ हमें क्या बताना है, रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। तो बच्चों दिया क्या गया है, रेलगाड़ी की चाल दी गई है यानी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, और सुरंग की लंबाई जो है वो कितनी है, सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर। तो यहाँ आपको रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, तो मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की लंबाई 1 मीटर, हमने 1 मीटर मान ली, तो ये सुरंग की लंबाई जो है इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो 1.5 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1500 मीटर। तो यहाँ पर कुल चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, सुरंग को पार करने में कुल चली दूरी
कुल चली गई दूरी वो रेल की लंबाई और सुरंग की लंबाई के योगफल के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो सुरंग की लंबाई है वो 1500 मीटर हो गई और रेल की लंबाई क्या है एक्स, ठीक है। तो ये मीटर में आपको मिल गई कुल चली गई दूरी, और यहाँ आपको समय दिया गया है 2 मिनट। समय कितना है 2 मिनट, और 2 मिनट को आप क्या करेंगे सेकंड में बदल लेंगे। तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 2 × 60 यानी कि 120 सेकंड हो जाएंगे। 120 सेकंड हो गए, और जो हमारी चाल है, चाल दी गई है ट्रेन की, वो कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 6 से ये कट जाएगा, 6 × 3 = 18 और 6 × 10 = 60, गुणा करने पर 10 × 5 = 50 और 3 50/3 मीटर प्रति सेकंड वो चाल हो गई। तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, तो यहाँ पर हम सूत्र क्या प्रयोग करेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 50/3 इक्वल टू डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया 1500 प्लस एक्स, ये दूरी उसे तय करनी थी, और जो समय है वो क्या है 120 सेकंड। अब इसे ही हमें सरल कर लेना है, तो इसे सरल करने के लिए क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, यानी 50/3 के साथ हमें 120 को लेना है, और ये बराबर हो जाएगा 1500 प्लस एक्स। तो ये आपको मिल गया 50/3 बराबर 1500 प्लस एक्स, और बटे में क्या आया था 120। तिर्यक गुणा करेंगे, 50/3 × 120 बराबर मिल गया 1500 प्लस एक्स। इसे आप सरल कर लेंगे, 3 × 4 = 12 = 40 और 50 × 40 करने पर मिलेगा 2000। तो 2000 बराबर 1500 प्लस एक्स, यहाँ से आपको एक्स का मान पता चल जाएगा 2000 − 1500, ये कितना जाएगा 500 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई क्या थी 500 मीटर थी, और यही हमें ज्ञात करना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ बच्चों अगला प्रश्न है, एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ आपको चाल दी गई है, स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समय जो है वो क्या है 4 मिनट, ठीक है। दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो यहाँ हम क्या कर लें, यहाँ हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं और मिनट को हम सेकंड में बदल सकते हैं। तो 4 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 4 × 60 यानी कि 240। तो 240 सेकंड ये हो गए, और जो स्पीड थी हमारी इसे हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो हमें क्या करना होगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ आप इसके सरल कर लें, 9 × 2 = 18 9 × 5 = 45। तो 5 × 5 = 25, 25/2 ये आपको मिल गया 25/2 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गई। दूरी हमें ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, और जब हमें दूरी ज्ञात करना होगा तो क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। तो यहाँ आप मान रख देंगे 25/2 चाल हो गई, और समय जो है आपने निकाला है सेकंड में 240। अब इसे ही सरल करना है, 2 का भाग जो है 240 में देंगे, 120 मिलेगा, और 120 × 25 आपको करना है, तो ये आपका हो जाएगा 3000 मीटर, या इसे आप 3 किलोमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्कूटर द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर या फिर 3000 मीटर। तो बच्चों यहाँ अगला प्रश्न इस प्रकार से है, 100 मीटर और 80 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियाँ समान दिशा में गतिमान है, यानी दोनों की जो दिशा है वो एक ही है, एक ही दिशा में गतिमान है।
यदि पहली रेलगाड़ी 51 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और दूसरी रेलगाड़ी 42 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें हम लिख लेंगे। जैसे पहले रेलगाड़ी की जो लंबाई है इसको हम L1 मान लेते हैं, ये आपको 100 मीटर दी गई है, और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई को हम L2 मान लेते हैं, ये 80 मीटर दी गई है। पहले रेलगाड़ी की जो चाल है इसे हम S1 स्पीड 1 ठीक है 51 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, और दूसरे की जो चाल दी गई है वो 42 मीटर प्रति सेकंड दी गई है। तो यहाँ जो रेलगाड़ियाँ हैं वो एक ही दिशा में गतिमान हैं, तो उनकी जो सापेक्ष चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल। ये जो सापेक्ष चाल होगी इन दोनों चालों के अंतर के बराबर हो जाएगी, यानी 51 माइनस 42 मीटर पर सेकेंड। तो इसे सरल करने पे आपको मिल जाएगा 9 मीटर प्रति सेकेंड की सापेक्ष की चाल होगी, और यहाँ कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर। तो कुल दूरी जो हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी 100 प्लस 80 यानी कि 180 मीटर ठीक है। 180 मीटर जाना है, चाल कितना है 9 मीटर प्रति सेकंड, तो समय कितना लगेगा, कुल लगा समय जो हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपने रख लिया 180 मीटर और चाल क्या है 9 मीटर प्रति सेकंड। इसे सरल कर दें, 9 × 2 = 18 0 यानी कि 20 बार में ये कट जाएगा, तो समय कितना लगा 20 सेकंड में वे जो है एक दूसरे को आराम से पार कर लेंगे। यहाँ अगला प्रश्न है बच्चों, एक व्यक्ति स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। तो यहाँ व्यक्ति की चाल आपको दी गई है, व्यक्ति की चाल यह है 13 किलोमीटर प्रति घंटे ठीक है, और धारा की गति 4 किलोमीटर है, तो धारा की चाल आप लिख लें, धारा की चाल यह है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो व्यक्ति को धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, यानी कुल दूरी जो जानी है वो कितनी है, कुल दूरी वो है 68 किलोमीटर उस व्यक्ति को जाना है। तो धारा की दिशा में जाना है, तो धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल, तो बच्चों यहां धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी, दोनों चालों को हम जोड़ देंगे, यानी 13 किलोमीटर प्रति घंटे व्यक्ति की चाल थी और 4 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की चाल थी। तो धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी, धारा के अनुकूल 13 और 4 17 किलोमीटर प्रति घंटे, और उसे जाना कितना है 68 किलोमीटर दूर जाना है, समय कितना लगेगा, तो समय का जो सूत्र है वो हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है 68 किलोमीटर और चाल कितनी है 17 किलोमीटर प्रति घंटे, आप इसे भाग दे दें 17 × 68 यानी 4 घंटे में वह व्यक्ति 68 किलोमीटर की दूरी को पार कर लेगी, यही आपका उत्तर हो जाएगा 4 घंटे। बच्चों अगला प्रश्न यहाँ लिया गया है वो है, एक महिला धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकती है, तो धारा की गति क्या है। तो यहाँ पर जो है प्रतिकूल चाल जो है ये दी गई है, प्रतिकूल चाल कितनी है 16 किलोमीटर प्रति घंटे ठीक है, और अनुकूल चाल कितनी दी गई है, अनुकूल चाल यहाँ दी गई है 26 किलोमीटर प्रति घंटे 26 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसमें धारा की गति क्या है, तो इसके लिए धारा की जो गति होगी
दोनों की सापेक्षिक गति का आधा होगी, तो धारा की गति हो जाएगी 1/2, और इसमें हम अनुकूल में से प्रतिकूल को घटा देंगे, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल। तो यहाँ अनुकूल कितना दिया गया है 26 किलोमीटर प्रति घंटे, और प्रतिकूल दिया गया है 16 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 26 में से 16 को घटाएंगे तो 10 मिलेगा, और 10 में क्या करना होगा, 2 से भाग, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है, धारा की चाल हो जाएगी। तो इस तरह के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को इस प्रकार से आप आसानी से हल कर पाएंगे। बच्चों यहाँ अगला प्रश्न दिया गया है, एक 300 मीटर लंबे ट्रेन की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ चाल आपको दी गई है कितनी, 10 मीटर प्रति सेकंड, और इसे एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो बच्चों इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको यह जानना आवश्यक है कि जब भी कोई ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को या किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होती है ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो यहाँ पर जो कुल दूरी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, बराबर ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई के बराबर कुल दूरी उसे चलनी होगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300 मीटर, ठीक है, और चाल भी हमारी मीटर प्रति सेकंड में है। तो यहाँ हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, हमें क्या ज्ञात करना है, समय। तो समय का सूत्र आप जानते हैं, दूरी बटा चाल, तो दूरी में चाल से आपको भाग दे देना है। तो यहाँ पर दूरी कितनी है, 300 मीटर है, और चाल कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आप भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, यानी कि जो समय लगेगा वो 30 सेकंड का समय लग जाएगा। 30 सेकंड को आप आधे मिनट भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल हो गया। बच्चों इस तरह से बहुत सारे प्रश्नों को आपने देखा, चाल, दूरी और समय संबंधित, और सापेक्ष चाल से संबंधित। तो आशा है इन प्रश्नों से आप लाभान्वित जरूर होंगे और इनका निरंतर अभ्यास करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।